ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नंबर से डर लगता है फिर चाहे वो नंबर मैथ में हो या साइंस के फॉर्मूले के रूप में हम सभी ने इन नंबर्स की वजह से स्ट्रगल किया हुआ है इन नंबर्स के चक्कर में ही बहुत से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में भी नंबर कट जाते हैं लेकिन क्या सच में ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो जवाब है नहीं वैसे आप किसी गाने की बीट पर बड़ी आसानी से डांस कर लेते हैं या किसी बॉल को भी बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं लेकिन यही सब एक रॉबोट से करवाने के लिए काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है पर आपका ब्रेन इसके लिए जरूरी कैलकुलेशन बिना किसी एफर्ट के कर लेता है तो इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत शार्प है तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में तो आज जिस बुक को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं उसका नाम है अमाइंड फॉर नंबर्स जिसे लिखा है बारबरा ऑकली ने बारबरा एक रिसर्चर और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में इंजीनियर की प्रोफेसर हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी अ माइंड फॉर नंबर्स ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल तो यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे मैथ्स और साइंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपने माइंड के पोटेंशियल को समझा जाए इसकी शुरुआत आप ब्रेन के फोकस्ड और डिफ्यूज मोड को समझने से कर सकते हैं इन मोड्स को समझे बिना आप ठीक से नहीं पढ़ सकते ब्रेन की मेमोरी रखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने माइंड के सारे स्पेस को अनलॉक करके उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं लेकिन मैथ्स और साइंस में सिर्फ याद रखने की जरूरत नहीं होती ये समरी आपको उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ने और समझने में अच्छा तरीका कैसे अपनाया जाए ये सिखाएगी अगर आप टेस्ट में इन्हें अप्लाई ही ना कर सके तो कॉन्सेप्ट याद रखने और समझने का क्या फ़ायदा हुआ इसके साथ ही आप एग्जाम में सवालों का जवाब देने का अच्छा तरीका भी सीखेंगे आप ये भी जानेंगे कि जवाब देते वक्त स्ट्रेस और एनजाइटी को कैसे डील करना है दुनिया चाहे कुछ भी कहे पर मैथ्स और साइंस में रॉ टैलेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर लेने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है बात बस इतनी सी है कि आपको बेसिक टिप्स और ट्रिक फॉलो करने की जरूरत है इस समरी में बताए गए टूल्स डिसिप्लिन और हार्डवर्क के जरिए आप भी मैथ और साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर इजी डज इट ब्रेन के सोचने के दो मोड होते हैं उन्हें फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड कहा जाता है फोकस्ड मोड उसे कहते हैं जब आप अपने सामने किसी प्रॉब्लम पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं डिफ्यूज मोड तब होता है जब आप रिलैक्स हो जाते हैं और अपने माइंड को इधर उधर जाने देते हैं ब्रेन का एक हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉटेक्स कहते हैं वो फोकस्ड मोड को कंट्रोल करता है आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये ब्रेन के अलग अलग हिस्से को सिग्नल भेजता है लेकिन आप एक बार में कुछ लिमिटेड चीजों पर ही फोकस कर सकते हैं इसलिए फोकस्ड मोड उस कामों के लिए अच्छा है जिसमें ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत होती है और कम क्रिएटिविटी की जरूरत होती है एग्जाम्पल के लिए आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं जैसे मान लो स्पेनिश कोई नया ग्रामर रूल जो आपने अभी अभी सीखा है उसे पढ़ने के लिए आप फोकस्ड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं एक स्विमर अपने स्ट्रोक में गलतियां ढूंढते वक्त फोकस्ड मोड का इस्तेमाल करता है मैथ और साइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोकस्ड मोड का इस्तेमाल करना ज़्यादातर मुश्किल होता है लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट के प्रॉब्लम पर फोकस करना आसान है कई लाखों सालों से हमारा ब्रेन इंसानों से कम्युनिकेट करने के लिए इवॉल्व हुआ है लेकिन इंसान ने 5,000 हज़ार साल पहले तक भी मल्टीप्लीकेशन की खोज नहीं की थी इसलिए हमारे ब्रेन को मैथ को अपनाने में थोड़ा समय लगता है हमारे ब्रेन को एल्जेब्रा जैसी चीजों पर फोकस करने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी इनसे डील नहीं किया था मैथ और साइंस की वजह से आइंस्टेलिंग इफेक्ट हो सकता है जैसे आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका सोचा पर वो गलत निकला आइंस्टेलिंग इफेक्ट गलत तरीके पर फोकस करते हुए बेहतर आइडियाज को आने से रोकता है फोकस्ड मोड की वजह से होने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डिफ्यूज मोड में स्विच करना डिफ्यूज मोड तब होता है जब आप अपने पूरे ब्रेन में कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं डिफ्यूज मोड में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना नामुमकिन है लेकिन आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके के बारे में सोच सकते हैं अपने ब्रेन को एक टॉर्च या फ्लैशलाइट की तरह इमेजिन कीजिए कुछ फ्लैशलाइट इतनी तेज लाइट प्रोड्यूस करते हैं कि वो छोटी जगह से अंधेरे को पूरी तरह हटा देते हैं ये ब्रेन के फोकस्ड मोड जैसा है बाकी के फ्लैश लाइट एक भीम यानी एक किरण जैसे निकलती हैं, जो बड़ी जगह से लाइट को भर तो देते हैं पर वो लाइट पूरी तरह स्ट्रांग नहीं होती और उसके बाद भी वहां कुछ कोने ऐसे रह जाते हैं जहां पे अंधेरा हो सकता है ये ब्रेन के डिफ्यूज मोड जैसा है मैथ और साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड के बीच स्विच करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढने के लिए डिफ्यूज मोड का इस्तेमाल करें फिर कैलकुलेशन करने के लिए फोकस्ड मोड का इस्तेमाल करें क्या आप खुद को इसमें फंसा हुआ पाते हैं अगर ऐसा है तो डिफ्यूज मोड में स्विच करें और किसी नए तरीके के बारे में सोचें फोकस्ड मोड से डिफ्यूज मोड में स्विच करना असल में इतना भी आसान नहीं है लेकिन कुछ तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्चर हार्वर्ड गर्बर थ्री बीज का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं ये थ्री बीज है बाथ बेड या बस तो आइए थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देखते हैं एडिसन लाइट बल्ब के इन्वेंटर और आज तक के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक थे एडिसन आंखें बंद करके और सोकर डिफ्यूज मोड में जाते थे लेकिन वो अपने हाथ में एक स्टील की बॉल पकड़कर रखते थे जिसके नीचे मेटल की प्लेट लगी होती थी जैसे ही एडिसन सो जाते तो उनके हाथ में पकड़ा हुआ वो बॉल जब हाथ रिलैक्स होता था तो वो गिर जाता था और आवाज़ करता था इसी आवाज़ की वजह से वो जाग जाते थे जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन पूरी तरह से डिफ्यूज़ मोड में चला जाता है एडिसन के इस तरीके ने उनके थॉट को जितना हो सका उतना डिफ्यूज़ बना दिया जैसे ही बॉल की वजह से वो जाग जाते थे वो फोकस करने लगते थे और उन आइडियाज़ को इकट्ठा करते थे जो उन्हें डिफ्यूज़ मोड में मिले होते थे सोचने के बीच के मोड में स्विच करने का दूसरा एग्जाम्पल चेस प्लेयर से देखा जा सकता है चेस एक ऐसा गेम लगता है जिसमें लगातार कंसिस्टेंट रहने की जरूरत होती है लेकिन मैगनसन कार्लसन वर्ल्ड चेस चैंपियन कई बार गेम के बीच उठकर चले जाते थे वो आसपास टहलते और अगला मूव करने के लिए दूसरे प्लेयर को ऑब्जर्व करते हैं कार्लसन अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिव करने के लिए बोर्ड से थोड़ा दूर जाते थे चेस प्लेयर को ऐसा लगता कि कंसिस्टेंट रहते वक्त वो सभी पॉसिबल मूव के बारे में सोच रहे होते हैं डिफ्यूज़ मोड में स्विच करने से उन्हें और ज़्यादा मूव्स के बारे में सोचने में मदद मिलती है कई मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त या किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखते वक्त उसे एक बार में ही करने की कोशिश ना करें ऐसे में अपने ब्रेन को रुक कर डिफ्यूज मोड में जाने की जरूरत है पियानो प्लेयर रोज इस घटना को एक्सपीरियंस करते हैं वो किसी मुश्किल पीस को फोकस करने और उसे लगातार बजाने में बहुत समय बिताते हैं लेकिन वो उसे एक ही सेशन में मास्टर नहीं कर सकते चाहे वो कितनी भी देर प्रैक्टिस क्यों ना कर लें लेकिन जब वो सो जाते हैं और अगले दिन उठकर उसे बजाते हैं तब वो बिल्कुल उसे परफेक्ट तरीके से बजा सकते हैं सोने और इधर उधर चलने के अलावा वो कौन से दूसरे तरीके हैं जिससे हम डिफ्यूज मोड में जा सकते हैं जिम जाने या कोई स्पोर्ट्स खेलने जैसी फिजिकल एक्टिविटी इसमें हमारी मदद कर सकती है आप पेंटिंग या किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने जैसी हॉबी को भी यूज कर सकते हैं प्रे करना या मेडिटेट करना भी हमारे माइंड को डिफ्यूज मोड में ले जाने का अच्छा तरीका है पर यहां पर खास ध्यान इस बात का रखना है कि आपको डिफ्यूज मोड पर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना है आप तभी कुछ सीख सकते हैं जब आप लगातार फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड के बीच स्विच करते रहेंगे अगर आप हर समय रिलैक्स करते रहें और उसे डिफ्यूज मोड कहते रहें तो आप मैथ्स और साइंस में फेल भी हो सकते हैं दुनिया के सबसे अच्छे लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम में फोकस्ड और डिफ्यूज मोड की लर्निंग साथ में होती है आइए यूएस के डिफेंस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में रशियन कोर्स की एग्जाम्पल लेते हैं पहले वे आपको रशियन ग्रामर लैंग्वेज पढ़ाते हैं और वोकेबलरी पढ़ाते हैं फिर वो आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रशियन में बात करने के लिए डिफ्यूज मोड में जाने को कहते हैं ऐसा ही तरीका डांसिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है शुरुआत में स्टूडेंट्स आसान से बेसिक स्टेप सीखते हैं ना कि मुश्किल मूवमेंट वो फोकस करते हैं और कुछ आसान से किक्स, टर्न और स्पिन सीखते हैं फिर इन मूवमेंट्स को एक साथ मिलाकर एक बड़ा डांस रूटीन बनाया जाता है इस प्रोसेस को चंकिंग कहते हैं इसमें आप किसी नए इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे टुकड़े या पीस लेते हैं फिर उन्हें मिलाकर एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट बना देते हैं इस नए कॉन्सेप्ट को चंक कहा जाता है चंक बनाना आपको नए आइडियाज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने में मदद करता है चंकिंग का कॉन्सेप्ट मैथ्स और साइंस में कैसे अप्लाई होता है इस सब्जेक्ट्स में एक चंक किसी एक तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है बहुत से इंस्ट्रक्टर्स सिंपल प्रॉब्लम या सॉल्यूशन प्रोवाइड करके आपको चंक बनाने में मदद करते हैं एक चंक बनाने के तीन स्टेप्स होते हैं पहला स्टेप है जिस इंफॉर्मेशन पर आप चंक बना रहे हैं उस पर फोकस करना ऐसा करके आप अपने ब्रेन में बिल्कुल नए नए आइडियाज़ के बीच कनेक्शन बना रहे होते हैं इस प्रोसेस को दौरान टीवी देखने से चंक सही तरीके से नहीं बनता है और आगे दूसरा स्टेप है जिस आइडिया का आप चंक बना रहे हैं उसे समझना किसी आइडिया को समझना आपको उसे हमेशा के लिए याद रखने में मदद करता है याद रखें किसी प्रॉब्लम को समझने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं और इसी के साथ आखिरी स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट सीखना इसका मतलब है ये पता होना कि आपने जो चंक सीखा है उसे कब इस्तेमाल करना है ज़्यादातर हम किसी एक मैथमेटिकल टेक्निक को मास्टर करने पर ध्यान देते हैं लेकिन हम इस बात को समझने पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस मेथड की ज़रूरत है चंक्स हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो आपको आपकी वर्किंग मेमोरी को अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं वर्किंग मेमोरी आपके माइंड में आने वाले आइडियाज़ का सेट होता है आमतौर पर हम अपनी वर्किंग मेमोरी में सिर्फ चार आइडियाज़ को स्टोर कर सकते हैं चंक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत से आइडियाज होते हैं पर ये आपके वर्किंग मेमोरी में, में सिर्फ एक थॉट जितनी जगह लेते हैं इसलिए चंक्स आपकी वर्किंग मेमोरी को बहुत पावरफुल बना सकते हैं चंकिंग आपके फोकस्ड और डिफ्यूज्ड थिंकिंग को जोड़ने का भी बहुत अच्छा तरीका है आपको पता है कि डिफ्यूज मोड में आपके थॉट्स पूरे ब्रेन में घूमते रहते हैं अब रैंडम आइडियाज की जगह आपके डिफ्यूज थॉट को ठीक से ऑर्गेनाइज किए हुए चंक मिलते हैं फिर आप इन चंक को जोड़ने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढने पर फोकस कर सकते हैं किसी चंक की पावर यह बताता है कि उसे याद करना और इस्तेमाल करना कितना आसान है चंक की ताकत लगातार प्रैक्टिस करने से बढ़ती है सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपके ब्रेन में कमजोर चंक ही होगा आप टेस्ट में उसे याद करने की कोशिश में कीमती समय बर्बाद कर देंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से ओवर लर्निंग भी हो सकता है इसमें आपका चंक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली ही अप्लाई कर सकते हैं टेनिस प्लेयर अपने सर्व को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए ओवर लर्निंग करते हैं लेकिन मैथ्स और साइंस में ओवर लर्निंग करना बस टाइम वेस्ट होता है इसकी जगह पर आप इंटरवेलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेशन में एक ही तरह के प्रॉब्लम के सेट को सॉल्व ना करें इसके बजाय मिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करें जिन्हें अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की जरूरत होती है इस तरीके से आप सिर्फ एक ओवरलर्निंग चंक के बजाय ढेर सारे स्ट्रॉन्ग चंक बना लेंगे रिट्रीवल प्रैक्टिस एक ऐसा तरीका होता है जिसका इस्तेमाल आप कुछ साइंटिफिक थ्योरीज को पढ़ने के लिए कर सकते हैं ये चंकिंग के प्रोसेस में भी मदद करता है रिट्रीवल प्रैक्टिस का मतलब है अपने आप को जो आपने पढ़ा है वो याद करने के लिए फोर्स करना एक बुक की सिर्फ रीडिंग कर लेना पढ़ने का सही तरीका नहीं है इससे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप किसी किताब को बार 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 पढ़ेंगे यहां पर नोट्स को रीड करने के बारे में भी कुछ बताया गया है बहुत से स्टूडेंट्स रीडिंग करते वक्त टेक्स्ट को अंडरलाइन या हाईलाइट करना पसंद करते हैं ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए आपके हाथ को वर्ड्स के साथ मूव करने से आपका ब्रेन ये सोचने लगता है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ गया है आमतौर पर आपको हर पैराग्राफ में सिर्फ एक सेंटेंस या एक आइडिया को ही हाईलाइट करना चाहिए और यहां से अगला चैप्टर है प्रिवेंटिंग प्रोकेस्टिनेशन प्रोकेस्टिनेशन का मतलब है बिना किसी वजह से आप किसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं या उसमें देरी कर रहे हैं सरल शब्दों में कहा जाए तो काम को टाल मटोल करना इसका एक एग्जाम्पल है कि अपने असाइनमेंट को तभी शुरू करना जब सबमिट करने की तारीख बिल्कुल नजदीक आ जाए जो लोग अब अपने काम को हमेशा टालते रहते हैं उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं टालने की आदत खास तौर पर मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है आप इन सब्जेक्ट्स को आखिर में एक साथ पूरा नहीं कर सकते चंक्स को मजबूत करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है आपको अपने ब्रेन को डिफ्यूज मोड में ले जाकर कॉन्सेप्ट को प्रोसेस करने की जरूरत होती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रेक चाहिए होते हैं तो टालने की आदत को छोड़ने का सबसे पहला और अच्छा तरीका यह है कि ये समझना कि हम काम क्यों टालते हैं हम काम को तब टालते हैं जब हमें कुछ ऐसा करना होता है जिससे हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है यह उन स्टडीज से साबित हो गया है जिनमें ब्रेन को स्कैन किया गया था शैली एक ऐसी स्टूडेंट है जिसे मैथ्स पसंद नहीं है वो उन असाइनमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देती है जो उसे अगले हफ्ते तक कंप्लीट करने हैं जब यह थॉट उसके माइंड में आता है तो उसके ब्रेन का वो हिस्सा जो दर्द से जुड़ा है वो एक्टिवेट हो जाता है कुछ लोगों के लिए मैथ्स के बारे में सिर्फ सोचना ही बहुत ज्यादा इमोशनली तकलीफ का कारण बन सकता है काम को टालने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब आप किसी ऐसी एक्टिविटी को खोजना शुरू करते हैं जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो जब सैली का ब्रेन मैथ्स के बारे में चिंता करने लगा तब उसने टेबल पर रखे अपने फ़ोन को नोटिस किया उसे फिर कुछ कंफर्टेबल करने की इच्छा हुई सैली ने अपना समय सोशल मीडिया पर और कुछ मैसेजेस का जवाब देने में लगा दिया तब तक उसने ये किया उतनी देर में दो घंटे बीत चुके थे और उसकी मैथ्स की कॉपी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कुछ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तब ब्रेन का पेन सेंटर इनएक्टिव हो जाता है जिसका मतलब है कि एक बार जब आप काम शुरू कर देते हैं तो काम को टालने की इच्छा खत्म होने लगती है किसी काम को टालने की आदत का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह बहुत आसानी से आदत बन जाता है जैसे आप फिजिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ने से टालते रहते हैं तो बाकी की क्लासेस में भी आप अपने आप पीछे होते चले जाते हैं अब फिजिक्स के बारे में सोचने से आप और भी ज्यादा पेनफुल फील करते हैं आप इसे और भी ज्यादा टालने लगते हैं और फिर जब टेस्ट आता है तब आपके पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता कभी कभी टालना एक आदत से भी ज्यादा हो जाता है और एडिक्शन यानी लत बन जाता है ये हमें जिंदगी की पेनफुल सच्चाई से ब्रेक देता है हम टालने के लिए बहाने लगाने लगते हैं हम कहने लगते हैं कि अगर हम एग्जाम से बहुत पहले पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम चीज़ें भूल जाएंगे इस आदत को रोकने के बहुत से तरीके हैं उनमें से सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना प्रोडक्ट का मतलब है वो गोल जो आप अपने स्टडी सेक्शन के खत्म होने पर पूरा करना चाहते हैं हो सकता है कि आप अपना होमवर्क पूरा करना चाहते हो या फिर कम से कम दस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो लेकिन यह प्रोडक्ट ही आपके ब्रेन को दर्द महसूस करवाता है इसके बजाय प्रोसेस पर फोकस करें जो है पढ़ने बैठ जाने जैसा सिंपल सा काम प्रोसेस पर ध्यान देने का मतलब है तीस मिनट तक पढ़ने का एम बनाना फिर भले ही आप उस दौरान कितना भी पढ़ें यह आपके ब्रेन को एक साफ और सिंपल सा गोल बना देता है जिससे कि टालने की, की आदत को दूर करना थोड़ा आसान हो जाता है प्रोसेस पर फोकस करना पोमोडोरो टेक्निक का बेसिस है इस टाइम मैनेजमेंट मेथड को एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने इन्वेंट किया था जिसका नाम फ्रांसिस्को सिलेरो हिसाब से आपको 25 मिनट के सेशन में काम करना चाहिए और हर सेशन के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए पोमोडोरो टेक्निक का मेन फायदा यह है कि 25 मिनट तक डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना आसान होता है आप अपने दोस्तों और परिवार को यह बोल सकते हैं कि इस दौरान आपको डिस्टर्ब ना किया जाए कभी कभी पोमोडोरो टाइमर का इस्तेमाल करना स्ट्रेसफुल हो सकता है लेकिन स्टडी में ये पाया गया कि ये थोड़ा सा स्ट्रेस आपको बहुत प्रोडक्टिव बना सकता है ये आपको एग्ज़ाम के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तैयार कर सकता है टालने की आदत को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अच्छी आदत में बदल देना आदतें टाइम और एनर्जी बचाने का बहुत अच्छा तरीका है किसी आदत को करते वक्त आप बहुत कम सोचते हैं और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पर ध्यान दे पाते हैं चंकिंग जिसे हम पहले सीख चुके हैं वो अच्छी आदत बनाने का प्रोसेस है किसी अच्छी आदत को बनाने के लिए आपको एक आदत के चार पार्ट को समझना और उस पर काम करने की जरूरत है तो सबसे पहला पार्ट है क्यू क्यू वो होता है जो आपसे कोई आदत शुरू करवाता है अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले क्यू तय करना होगा कुछ स्टूडेंट घर आते ही तुरंत होमवर्क करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग सुबह उठते ही पढ़ना शुरू कर देते हैं अगर आप क्यू के तुरंत बाद कुछ अच्छी आदत को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपको इसके लिए धीरे धीरे कम मेहनत करनी पड़ेगी जिस क्यू की वजह से काम को टाला जा रहा है उसे खत्म करके आप टालने की आदत को दूर कर सकते हैं यूसरा फर्स्ट ईयर की कॉलेज स्टूडेंट है जब उसे पढ़ना होता है तब वो अपना लैपटॉप अपनी बहन को देती है अब यूसरा के पास डिस्ट्रैक्ट होने का कोई तरीका नहीं है दूसरे लोगों की मदद लेना बुरी आदतों को दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है वे आपको डिसिप्लिन डेवलप करने में मदद कर सकते हैं आपकी आदत का दूसरा पार्ट है रूटीन ये वो एक्टिविटी है जिसे आप आदत की तरह करते हैं ज़्यादातर रूटीन बनाना सबसे मुश्किल होता है इसे करने का ट्रिक है छोटे छोटे स्टेप लेना आधे घंटे तक लगातार बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करने की कोशिश करें कभी कभी माहौल में चेंज होना रूटीन बनाने में मदद कर सकता है लाइब्रेरी जाएं और किसी दूसरी कुर्सी पर बैठकर काम करने की कोशिश करें अपने रूटीन को शुरू करने से पहले कुछ खा लेना अच्छा आइडिया है काम करने में बहुत एनर्जी लगती है और अगर आपका पेट भरा हुआ होगा तो इससे आपको मदद मिलेगी साथ ही आप काम करते वक्त भूख की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आगे आपकी आदत का तीसरा पार्ट है रिवॉर्ड टालने की आदत की एग्जाम्पल को फिर से देखें पढ़ाई करने की जगह दोस्तों से बात करना कुछ समय के लिए आपको खुशी दे सकता है क्या पढ़ने के लिए ऐसे रिवॉर्ड के बारे में सोच सकते हैं जो टालने के रिवॉर्ड से बेहतर हो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कुछ कंप्लीट कर लेने की फीलिंग ही काफी होती है जब रिवॉर्ड की बात आती है तब आपके पास कई ऑप्शन है कुछ लोग खुद को रिवॉर्ड देने के लिए खाने कपड़े मूवी पर पैसे खर्च करते हैं कुछ लोग खुद को उन एक्टिविटी को करके रिवॉर्ड लेते हैं जो उन्होंने टालने के वक्त के दौरान की होती हैं पर इस बार उन्हें इस बात की गिल्ट नहीं होगी कि उन्होंने काम को टाल दिया है आदतें सिर्फ इस रिवॉर्ड मैकेनिज्म की वजह से बहुत ताकतवर हो जाती हैं आदत तब बनती है जब ब्रेन उस रूटीन को फॉलो करने के लिए कोई रिवॉर्ड पाने की उम्मीद करना शुरू कर देता है एक बार जब आदत बन जाती है तब आपका ब्रेन उस रूटीन को भी इंटरेस्टिंग और मजेदार बना देता है इस फिनोमिना को लर्नड इंडस्ट्रेस कहते हैं और आपकी नई आदत का आखिरी पार्ट है बिलीव यानी विश्वास किसी नई आदत को सक्सेसफुल सीखने के लिए आपको विश्वास रखने की जरूरत है कि इसे सीखना पॉसिबल है किसी आदत को बनाना मुश्किल और स्ट्रेसफुल होता है आपको बेशक फिर से काम को टालने का मन करेगा वो आपका बिलीव ही होगा जब आपको स्ट्रांग रहने में मदद करेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा एक नई कम्युनिटी बनाना आपके बिलीव को मजबूत करने का अच्छा तरीका है उन क्लासमेट्स के साथ स्टडी ग्रुप बनाएं जिनमें वैसा एटीट्यूड है जैसा आप चाहते हैं अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो लेक्चर बंक करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो उनके साथ जितना हो सके दूरी बना के रखें और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ इन्हेंसिंग योर मेमोरी अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी जॉश फायर ने एक आम आदमी की तरह बिताई वो अक्सर चीज़ों के बारे में भूल जाते थे जैसे कि उन्होंने कार की चाबी कहाँ रखी है या उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब आता है जॉश एक जर्नलिस्ट थे वो हमेशा सिंपल ग्रामर रूल्स भी भूल जाते थे जैसे कि इट्स कहाँ लगाना है इट इज़ कहाँ लगाना है जॉश ने एक दिन काम पर वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस के बारे में कहानी पढ़ी ये लोग कार्ड्स के डेक को एक बार देखकर उनका ऑर्डर याद रख सकते थे ये किसी भी पॉइम को सिर्फ एक बार पढ़कर उसे याद रख सकते थे जोश को इन मेमोरी मास्टर्स से जलन होने लगी अब वो उनके बारे में और जानना चाहते थे इसलिए जोश ने मेमोरी चैंपियंस का इंटरव्यू लेना शुरू किया और उन्हें पता चला कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिन्हें कोई जन्म से यूनिक टैलेंट मिला हो उनकी इतनी अच्छी मेमोरी सालों की ट्रेनिंग का रिजल्ट था उन चैंपियंस ने बताया कि अगर जोश भी चाहे तो चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं तो जोश ने इसे ट्राई करना शुरू कर दिया और फिर वो 2006 में यूएस मेमोरी चैंपियन भी बने नेचुरली ही आपके ब्रेन के पास चीजों को याद रखने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है पर यह सारा स्टोरेज विजुअल स्पेशल मेमोरी कहे जाने वाले किसी पार्ट में होती है ये वो मेमोरी होती है जो इमेज यानी तस्वीरों और जगहों को याद रखने में इस्तेमाल होती है मान लीजिए कि आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा अगर आप वहां सिर्फ कुछ मिनट के लिए भी रुक जाते हैं तब भी आपको उसके बारे में बहुत सी चीजें याद रह जाएंगी एग्जाम्पल के लिए आपको दीवारों का रंग याद होगा आपको ये भी याद होगा कि वहां पर फर्नीचर कैसे रखा हुआ था आपका ब्रेन हजारों इन्फॉर्मेशन कुछ ही मिनटों में कैप्चर कर लेता है आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन कुछ हफ्तों तक याद रहेंगे ये मैथ्स और साइंस में कैसे अप्लाई होता है अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को इमेज में बदल देंगे तो वो आपको विजुअल स्पेशल मेमोरी में चला जाएगा फिर आप चीजों को ज्यादा आसानी से याद कर पाएंगे आपको बार बार उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी थ्योरी को इमेज में बदलने का एक तरीका है मेमोरी पैलेस टेक्निक इस टेक्निक में आपके किसी जान पहचान के जगह का लेआउट होता है जो आपका पैलेस होगा ये जगह आपका घर स्कूल या कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जिसे आप अच्छी तरह से याद कर सकें आप जो भी याद करना चाहते हैं उसे लें और अपने पैलेस में मैप कर दें पेरियोडिक टेबल का एग्जाम्पल लेते हुए देखते हैं इमेजिन करें कि आप अपने घर में घुस रहे हैं और आपके लिविंग रूम में एक हाइड्रोजन पावर्ड रॉकेट है फिर ड्राइंग रूम में जाएं जहां की हीलियम के बैलून सजाए हुए हैं ऐसा ही बाकी सारे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी करें ये तरीका आपको शायद अजीब सा लग रहा होगा जब आप इसे पहली बार ट्राई करेंगे तो शायद ये आपको धीरे धीरे होने वाले प्रोसेस भी लगे पर प्रैक्टिस करने के साथ साथ मेमोरी पैलेस जल्दी जल्दी बनने लगेंगे कुछ कॉलेज स्टूडेंट जो मेमोरी पैलेस के बारे में नहीं जानते थे उनके साथ एक स्टडी की गई केवल दो बार ही प्रैक्टिस करने के बाद पार्टिसिपेंट को पचास में से सैंतालीस आइटम याद रह गए थे लिस्ट और इक्वेशन के अलावा भी ये तरीका कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है कई पब्लिक स्पीकर अपने स्पीच और प्रेजेंटेशन को याद रखने के लिए मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल करते हैं मेमोरी पैलेस एक कॉम्प्लेक्स मेमोरी ट्रिक है ज़्यादातर स्टूडेंट इसकी जगह सीधा तरीका अपनाना पसंद करते हैं एक तरीका जो विजुअल स्पेशल मेमोरी का इस्तेमाल करता है वो है विजुअल मेटाफोरस बनाना जियोग्राफी के टीचर इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि जॉर्डन नाइकी द्वारा बनाए जाने वाले जूते एयर जॉर्डन की तरह दिखते हैं और सीरिया की शेप सीरियल के कटोरे जैसा है अगर विजुअल मेटाफोर बनाना मुश्किल लगता है तो स्टूडेंट्स वेरवल मेटाफोर भी बना सकते हैं यह ज्यादातर याद रह जाने वाले सेंटेंस की तरह होता है इसका एक एग्जाम्पल है किंग हेनरी डाइड वाइल्ड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क यानी राजा हेनरी की मौत चॉकलेट मिल्क पीते समय हो गई अब यह सेंटेंस मेजरमेंट के डेसिमल सिस्टम को याद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किंग का मतलब है कि के, के यानी किलो एक किलोग्राम में हजार ग्राम होते हैं और सौ ग्राम में एक हेक्टोग्राम जिसे हेनरी द्वारा दिखाया गया है ये सेंटेंस आखिर में जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ग्राम या एक मिलीलीटर तक जाता है जिसे मिल्क से दिखाया गया है लिखना भी चीज़ों को याद करने का आसान तरीका है पहले के मुकाबले अब स्टूडेंट्स नोट्स बहुत कम लिखते हैं काम के कोर्स के मटेरियल को अपलोड कर दिया जाता है और बुक्स भी आसानी से अवेलेबल है हालांकि लिखना इन्फॉर्मेशन को हमारी मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से बैठाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कॉन्सेप्ट को अपनी मेमोरी में बैठाने के लिए रिपीट करना बहुत ज़रूरी है आपका ब्रेन एफिशिएंसी के लिए आपके माइंड में कनेक्शन बनाए रखता है इसलिए आपको अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करते रहना है एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर भी ये आपके ब्रेन को ज़रूरी इंफॉर्मेशन को फ्रेश रखता है और इसके साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी आपकी मेमोरी को अच्छा करने के लिए बहुत मददगार साबित होती है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है ये देखा गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्रेन के मेमोरी में जुड़े हुए पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है अलग अलग तरह के एक्सरसाइज ब्रेन पर अलग अलग तरीके से असर करती हैं लेकिन चाहे आप जॉगिंग करें या वेट उठाएं एक्सरसाइज करना आपके सीखने की कैपेसिटी को इंप्रूव करता ही है और इसके बाद अगला चैप्टर है अवॉइडिंग ओवर कॉन्फिडेंस आपने शायद ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड के बारे में सुना होगा जिन्हें हेमिसफेयर कहते हैं कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों का राइट हेमिसफेयर मजबूत होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं उनका कहना है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर का मजबूत होना आपको ज्यादा एनालिटिक बनाता है लेकिन ब्रेन के बारे में ज्यादातर ऐसी थ्योरी सच नहीं है इसका मतलब यह है कि ब्रेन के लेफ्ट और राइट हैमिस्फेयर एक जैसे होते हैं उनसे कुछ चीजें अलग जरूर होती हैं जो मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट को जाननी जरूरी है जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब राइट हेमिसफेयर पीछे हटने और उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है वहीं लेफ्ट ब्रेन सोल्यूशन पर फोकस करता है और उसे सही साबित करने की भी कोशिश करता है एक तरह से लेफ्ट हैमिस्फियर फोकस्ड मोड के लिए जिम्मेदार होता है और ऐसा लगता है कि राइट हेमिस्फेयर डिफ्यूज मोड को पसंद करता है जब आप अपना होमवर्क करते हैं या टेस्ट देते हैं तो पीछे जाएं और उसे रीचेक करें ऐसा करने से ब्रेन के दोनों साइड का इस्तेमाल होता है यह आपको ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने में मदद करता है नील्स बोर दुनिया के सबसे बड़े फिजिशियस्ट थे उन्हें 1940 में मैनहेड प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बुलाया गया यूएसए के न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश थी बोहर टीम को ज्वाइन करने के लिए तो मान गए पर जल्दी ही उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा अब क्योंकि बोहर फिजिक्स की दुनिया के लेजेंड थे तो कोई भी उनका कलीग्स उन्हें नापसंद नहीं करता था इसलिए चाहे वो कुछ भी सजेशन देते थे कोई भी बोहर के खिलाफ नहीं बोलता था और उनकी बताई गई बातों को सभी अमल करते थे इससे उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैनहेड्स प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा बोहर को पता था कि वो कुछ ना कुछ गलती कर देंगे और उनके साथ काम करने वाला कोई भी इंसान उस गलती को नहीं बताएगा इसका सल्यूशन था एक टैलेंटेड यंग फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन को हायर करना रिचर्ड को देश के सबसे बड़े फिजिसिस्ट को आइडिया को चैलेंज करने के लिए जाना जाता था बोहर हमेशा अपना आइडिया रिचर्ड के साथ डिस्कस करते उसके बाद ही उसे इंप्लीमेंट करने के लिए देते थे सिर्फ रिचर्ड ही इतने ब्रेव थे कि वो बोहर की गलतियों को बता पाते थे ब्रेन का राइट हैमिस्फेयर हमेशा हमारी गलतियों को नहीं बता पाता है बोहर ने यह समझ लिया था और टीम के साथ काम करने के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया कलीग्स का एक ग्रुप अपने ब्रेन के बाहर के पावरफुल डिफ्यूज़ मोड के जैसे काम कर सकता है आप एक दूसरे की गलतियों को बता सकते हैं और इससे सबको और ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है क्या आपने कभी यह सोचकर टेस्ट दिया है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और फिर भी आप फेल हो गए हों ऐसा तब होता है जब हम किसी चीज को लेकर लंबे समय तक पढ़ते हैं और उसको लेकर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं दूसरों के साथ काम करके इस ओवर कॉन्फिडेंट से बचा जा सकता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना आपको ये बताएगा कि आप कौन सी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हैं रिसर्च में यह देखा गया है कि जिन ग्रुप के लोग एक दूसरे की गलतियां नहीं बताते वो कम प्रोडक्टिव होते हैं अगर आपके दोस्त आपकी गलतियों को नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है जिन ग्रुप्स के लोग एक दूसरे की गलतियों को बताते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है वो ग्रुप ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं स्टडी ग्रुप का एक और फायदा यह है कि आपकी स्किल्स दूसरों के सामने आती है कोई भी बेवकूफ नहीं लगना चाहता चाहे वो अपने दोस्त के सामने ही क्यों ना हो इसलिए स्टडी ग्रुप आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह देता है और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो है टेस्ट टेकिंग हम टेस्ट को ज्यादातर यह चेक करने का तरीका समझते हैं कि आप किसी लेवल पर पास होंगे या फेल लेकिन टेस्ट सीखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका हो सकता है टेस्ट देने का एक घंटा किसी चीज को पढ़ने के एक घंटे से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है इसलिए आपको अपने असाइनमेंट के लिए भरपूर मेहनत करनी चाहिए आप अपनी पढ़ाई में छोटे छोटे टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं जिसका मतलब है कि कोर्स के मटेरियल के हिसाब से खुद के लिए टेस्ट बनाना जब आप पढ़ रहे हों तब आप उन टेस्ट के जवाब दें आपकी मेमोरी को बढ़ाने की मदद करने के साथ साथ इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी जल्दी याद होगी और आप एग्ज़ाम के लिए बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि टेस्ट पेपर कैसे बनाना है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी टेस्ट में फेल हो जाते हैं मैथ्स और साइंस के टेस्ट में आंसर देने का सबसे आसान तरीका यह माना जाता है कि आसान क्वेश्चंस को पहले पूरा करो लेकिन यह इफेक्टिव तरीका नहीं है डिफ्यूज और फोकस्ड थिंकिंग में बताया गया तरीका एक अलग टेक्निक को सजेस्ट करता है मैथ्स और साइंस के टेस्ट देने का सही तरीका है हार्ड स्टार्ट जंप टू ई टेक्निक आपको सबसे पहले मुश्किल क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए अगर आप उस सवाल में एक मिनट से ज़्यादा का समय खराब करते हैं तो उस सवाल को छोड़ दें फिर किसी आसान सवाल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। आसान सवाल को सॉल्व करने के बाद आप फिर से किसी मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाएं। इस तरीके को पूरे टेस्ट में यूज़ करते रहें यह टेक्निक आपके माइंड में मुश्किल सवालों को पहले लोड कर देता है किसी आसान सवाल पर आपका फोकस स्विच करने का मतलब ये नहीं कि आपको मुश्किल सवाल को छोड़ देना है आपका ब्रेन तब भी डिफ्यूज मोड में उस मुश्किल सवाल के बारे में सोच रहा होता है इससे आप जो समय आसान सवाल को सॉल्व करते समय बिताते हैं वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है इससे सब कॉन्शियसली आप खुद ही उस मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका खोज लेते हैं हार्ड स्टार्ट जंप टू इजी टेक्निक इस बात का ध्यान रखता है कि आप हर क्वेश्चन को ट्राई करें यह तब हेल्पफुल होगा अगर आपको किसी क्वेश्चन को आधा सॉल्व करने पर भी आधा मार्क्स मिल रहा है इस टेक्निक के साथ प्रॉब्लम यह है कि इससे सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है किसी क्वेश्चन में एक से दो मिनट तक फंसे रहने के बाद आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना होगा अगर आपको अपने विल पावर पर भरोसा नहीं है तो इस टेक्निक को किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट में इसका इस्तेमाल करके ट्राई जरूर करें स्ट्रेस और एंजाइटी वो दो कॉमन प्रॉब्लम है जो टेस्ट देने वाले को होती ही है जब कोई टेस्ट शुरू होता है तब हमारा ब्रेन अलग अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज़ करता है उनकी वजह से हाथ में पसीना आना दिल की धड़कन का तेज होना और पेट में अजीब सा होना महसूस होता है एनजाइटी से डील करने का एक तरीका है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसे अलग तरीके से एक्सप्लेन करें अपने आप से कहें कि आप बस टेस्ट देने के लिए एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं ये आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है और दूसरा जाना माना तरीका है ब्रीदिंग टेक्निक यानी अपनी सांस पर फोकस करना ये ब्रेन के सारे पार्ट्स में अच्छे से ऑक्सीजन भेजता है और उसे ऐसा महसूस करवाता है कि सब ठीक है लेकिन ये जरूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग की टेक्निक टेस्ट से बहुत पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें यह आपको जल्दी शांत करने में मदद करेगी और इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं समरी के कंक्लूजन पे तो दोस्तों सबसे पहले आपने थॉट के फोकस्ड और डिफ्यूज मोड के बारे में जाना अगर आप मैथ और साइंस में अच्छा करना चाहते हैं तो दोनों मोड ही जरूरी हैं। फोकस्ड मोड कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है डिफ्यूज मोड क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को जमा करके रख सकता है आप एक्सरसाइज मेडिटेशन या फिर थोड़ी सी झपकी लेकर डिफ्यूज मोड को एक्टिव कर सकते हैं और इसके बाद दूसरा आपने चंक के बारे में सीखा मैथ्स और साइंस के एक चंक किसी एक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है चंक तब बनता है जब आप फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं और सीखते हैं कि उसे कहाँ इस्तेमाल करना है चंक आपको डिफ्यूज मोड और वर्किंग मेमोरी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है और इसके बाद तीसरा आपने सीखा कि काम टालने की आदत को कैसे खत्म करें हम उन चीजों को करने के देरी करते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके बारे में सोचने से हमें मेंटल पेन होता है इस आदत को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छी आदतें बनाना नई आदत बनाने के लिए क्यों रोटीन रिवार्ड और बिलीव की जरूरत होती है पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करने के बाद नई स्टडी की हैबिट को आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है और चौथा आपने सीखा आपको अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव करना है इंसान के पास विजियो स्पेशल मेमोरी में बहुत सारा स्पेस होता है उस स्पेस को कैसे इस्तेमाल करना है ये सीख कर आप अपनी मेमरी को बढ़ा सकते हैं इसके लिए मेमरी पैलेस एक अच्छी टेक्निक है लिखना फिजिकल एक्सरसाइज और रिपीट करना दूसरे तरीके हैं जिनसे आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं और पांचवा आपने सीखा कि ओवर कॉन्फिडेंस होने से कैसे बचें अपना होमवर्क करते समय ब्रेक लें और अपना डिफ्यूज मोड को इस्तेमाल करते रहें ये आपको जो आपने समझा है उसमें गलती ढूंढने में मदद करता है दूसरा अच्छा तरीका है किसी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करें ग्रुप मेंबर को एक दूसरे की फीडबैक और गलतियां बताते रहना चाहिए अगर स्टडी सेशन सोशलाइजिंग सेशन में बदल रहा है तो उस ग्रुप को छोड़ दें और छठा आपने टेस्ट देने के बारे में जाना टेस्ट को पढ़ने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है एग्जाम में आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका है हार्ड स्टार्ट जंप टू इजी टेक्निक अगर आप एग्जाम के समय घबराया हुआ महसूस करते हैं तो पहले से ही डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें यह आपको किसी भी इंपॉर्टेंट टेस्ट में जल्दी शांत होने में मदद करता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें मैथ और साइंस को समझने का स्किल नेचुरली गिफ्ट में मिला हुआ है लेकिन ऐसा नहीं होता है बाकी के स्टूडेंट्स इसमें फेल हो रहे हैं आपको शायद पास्ट में इन सब्जेक्ट में बुरे मार्क्स मिले होंगे पर ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कभी इसे यह नहीं जाना कि सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए इस समरी में बताए गए नॉलेज से आप भी मैथ और साइंस में हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो और आपका कोई सजेशन है या कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट जरूर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें हर एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाजत मिलेंगे बहुत ही जल्दी नई वीडियो में नई बुक के साथ तब तक सुनते रहिए फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल जय हिंद जय भारत